अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस और इसमें इंक्लूडेड है सिर्फ क्वेश्चन 3, 4 और 8। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, अ 20 फीट लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। हमारे पास एक 20 फीट लॉन्ग लैडर है जो वॉल के साथ सहारा ले रहा है, तो इसको भी हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगी वॉल, और ये वॉल के साथ जो लैडर लीन कर रहा है ये वो लैडर होगा, और यहाँ पे हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब ये लैडर जो है कोई एंगल बना रहा है यहाँ पे ग्राउंड के साथ, ये वॉल है, ये लैडर है और ये ग्राउंड। अब ये हमारे पास जब एक ट्राइंगल फॉर्म हो गई, हम यहाँ पे कह देते हैं इसको ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये जो 90 डिग्री की एंगल है वॉल बना रही है ग्राउंड के साथ, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री की एंगल होगी। इसके ऑपोजिट जो एंगल है ये हमारे पास एक्यूट एंगल है, और हमने इसे फाइंड करना है। यहाँ पर इस केस में ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि देखें ये अपवर्ड जा रही है, ये एक हमारे पास बेस थी और ये अपवर्ड जा रही है। अगर इस एंगल की हम बात करते हैं ना तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होती, क्योंकि ये इसकी एक सीधी लाइन बेस बन जाती, और यहाँ से ये क्या एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। हमारे पास बात हुई है एंगल ऑफ एलिवेशन की, हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन को नहीं देखना। अब हमारे पास गिवन है कि जो लैडर है, लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, वॉल की बेस से, यहाँ से लैडर जो है ये लैडर 5 फीट की दूरी पर है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 फीट, और लैडर की हाइट भी हमारे पास गिवन है 20 फीट लॉन्ग लैडर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 फीट, जबकि ये वॉल का रेशियो हमारे पास नहीं, और हमने बस इन दोनों से फाइंड कर लेनी है ये वाली एंगल। अब ये वाली एंगल फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज और बेस यूज होती है, तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस थीटा। यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, बेस है बीसी, इसको मैं बीसी लिख दूंगी, हाइपोटेन्यूज है एसी, इसको मैंने लिख दिया एसी। अब इसको सॉल्व करेंगे, बीसी है हमारे पास 5 फीट का तो यहाँ पे आ जाएगा 5, एसी है हमारे पास 20 फीट का तो यहाँ पे आ जाएगा 20, 5 और 20 को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/4। अब कॉस थीटा की वैल्यू आई मेरे पास इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, हमें तो सिर्फ थीटा चाहिए। कॉस को मैं इक्वल की दूसरी साइड पर मूव करूंगी, इस साइड पर थीटा बच जाएगा, कॉस दूसरी साइड पर जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा, और हम कॉस इनवर्स ले लेंगे 1/4 का। जब आप कॉस इनवर्स लेते हैं 1/4 का अपने कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75.5 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। और इसको आप चाहें तो मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में गिवन है कि एक रेक्टेंगल की बेस 25 फीट है, ठीक है, तो मैं पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। अब हमारे पास गिवन है उसकी बेस 25 फीट है, तो ये जो रेक्टेंगल की बेस होगी मैं इसको कह दूंगी 25 फीट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नेम भी कर लेती हूँ, यहाँ पे ए बी सी और डी। अब यहाँ पे मैंने कह दिया ये जो बेस है इस रेक्टेंगल की 25 फीट है, हाइट इज 13 फीट, तो इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो है 13 फीट। अब हमने क्या यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द एंगल दैट डायगनल ऑफ रेक्टेंगल मेक्स विद बेस। इस रेक्टेंगल का जो डायगनल है वो जो एंगल बनाता है बेस के साथ, हमने उसे फाइंड करना है, ठीक है। ये इस रेक्टेंगल का डायगनल है बेस के साथ, ये इस रेक्टेंगल की बेस है, इसके साथ ये एक एंगल बनाता है, हमने ये एंगल फाइंड करनी है, इस एंगल को फाइंड करना है, ये थीटा फाइंड करना है, तो इसे फाइंड करते हैं। अब नोट करें यहाँ पे ये एंगल क्या होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यहाँ की एंगल की हम बात करते तो ये क्या होती, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि इस ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एंगल नीचे से ऊपर जा रही है, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन के लिए बेस है और एंगल कहाँ जा रही है, ऊपर, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बेस हो जाएगी और एंगल कहाँ आ रही है, नीचे, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगी। अब हमने क्या करना है, ये फाइंड करनी है एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं रखते, हमने बस एंगल फाइंड करनी।
तो हम लिखते हैं पहले लेट द बेस ऑफ रेक्टेंगल ए बी इज इक्वल टू 25 फीट। हम इसको ए बी कह देते हैं कि जो बेस है ए बी रेक्टेंगल की वो 25 फीट है। इसी तरह लेट द हाइट ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे हाइट क्या है, ए सी, ए सी इज इक्वल टू 13 फीट। हाइट को हम कह देते हैं कि लेट कर लेते हैं ये 13 फीट है। तो हमने अब जो एंगल फाइंड करनी है, यहाँ पे एंगल कैसे फाइंड हो सकती है, हमारे पास क्या गिवन है, एक गिवन है हमारे पास बेस और एक गिवन है परपेंडिकुलर। कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होते हैं, हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व नहीं होता। अब कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो उसमें भी हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व होता है। टैन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिसमें हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व नहीं होता। तो हम ये वाला रेशियो यूज करेंगे, हम यूज करते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 13 फीट, बेस है 25 फीट। तो मेरे पास क्या आ गया, टैन थीटा इज इक्वल टू 13 ओवर 25। थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 13 ओवर 25। और टैन इनवर्स आप अपने कैलकुलेटर पर किस तरह निकालते हैं, आप ये कैलकुलेटर पर जो शिफ्ट का बटन है वो दबाएंगे और उसके बाद जो टैन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास टैन इनवर्स आ जाएगा। 13 ओवर 25 का टैन इनवर्स जब हम ले लेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 27.47 डिग्री। अगर आप इसको चाहें तो मिनट में कन्वर्ट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री। एक रोड जो है वो इंक्लाइन होता है 5.7 डिग्री की एंगल पर। अब हमारे पास क्या है कि एक रोड गिवन है जो इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब है वो कोई ऊंचाई या निचाई पर है, वो रोड इस तरह से है, ठीक है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये रोड क्या एंगल बना रहा है, 5.7 डिग्री। सपोज दैट वी ड्राइव 2 miles अप दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम सी लेवल। हम इस रोड की बेस को कंसिडर कर लेते हैं सी लेवल, ये हम कंसिडर कर लेते हैं सी लेवल है। अब हमें उन्होंने कहा गया है आप ये सपोज करें कि हम इस रोड के स्टार्टिंग पॉइंट यानी सी लेवल से स्टार्ट करते हैं, ये सी लेवल कंसिडर होगा। सी लेवल से स्टार्ट करते हैं इस रोड पर जाना हम, और हम रीच कर लेते हैं 2 miles, ठीक है, 2 miles हमने इस रोड पर ड्राइव किया। यहाँ पर ये रोड क्या एंगल बनाता है सी लेवल के साथ, 5.7 डिग्री। ये रोड इंक्लाइंड है यानी इतनी सी ऊंचाई पर है, तो उतनी ही एंगल इसकी सी लेवल के साथ होगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ हाई अबव सी लेवल वी आर, हम सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर हैं जब हम 2 miles मूव करते हैं। ऊंचाई यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, देखिए ये हमारे पास सी लेवल था, ये सी लेवल यहाँ पर है, ये 2 miles हमने ऊंचाई कवर कर ली यहाँ तक। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे वो है कि सी लेवल से हम 2 miles अगर मूव करते हैं तो कितनी ऊंचाई पहुंचे हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो अब मैं यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ ए, इसको बी और इसको सी। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम पहले लिखेंगे लेट ए सी बी द डिस्टेंस ऑफ कार ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 2 miles। हम लेट करते हैं कि ए सी वो डिस्टेंस है जितना कार ने ट्रेवल किया है और वो है 2 miles के इक्वल। फिर हम कहते हैं एंड बी सी, या लेट बी सी बी द हाइट, हम बी सी को वो वाली हाइट कहेंगे अटेंड आफ्टर ट्रेवलिंग हम लेट करते हैं कि बी सी वो हाइट है जो हमारे पास आती है ट्रेवल कंप्लीट करने के बाद, यानी जब गाड़ी 2 miles कंप्लीट कर लेती है तो जो हाइट आती है सी लेवल से वो हमारे पास क्या हो गई, बी सी। अब कौन से ऐसे रेशियोज हैं जिसमें हमारे पास एंगल यूज हो, हाइपोटेन्यूस यूज हो और परपेंडिकुलर यूज हो, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है
ऐसे रेशो कौन से हैं जिनमें बेस का कोई तल्लुक ना हो। अब ऐसा रेशो होता है हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है मेरे पास जो हमने फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूस गिवन है 2 miles, थीटा हमारे पास गिवन है 5.7। तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज ऐड करती पुट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज इसमें पुट करूंगी, साइन थीटा यानी साइन 5.7 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर को मैं बी सी ही लिखूंगी और हाइपोटेन्यूस 2 miles है जिसको मैं 2 ही लिखूंगी। साइन 5.7 को सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर पे, जब आप साइन 5.7 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.993। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 0.993 इज इक्वल टू बी सी ओवर 2। अब यहाँ पे ये जो 2 है डिवाइड हो रहा है बी सी से, इक्वल की दूसरी साइड पर जाके मैं इसको कर दूंगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.993 इज इक्वल टू बी सी। बी सी एक साइड पर अकेला रह जाएगा। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, बी सी इज इक्वल टू 2 बाय 0.993। अब 2.0.993 जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1986। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे, बी सी इज इक्वल टू 0.19 और 6 से हम 8 को राउंड ऑफ करके 9 लिख सकते हैं, 0.199 miles। अब हमने 2 miles यूज किया था तो हम इसके आंसर में भी माइल्स लिखेंगे, माइल्स से इसके आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारे पास आंसर है कि अगर हम एक इंक्लाइंड रोड से सी लेवल से 2 miles अबव चले जाते हैं यहाँ तक, तो जो सी लेवल से 2 miles के ऊपर तक उस रोड की दूरी होगी वो 0.199 miles होगी। उम्मीद है ये सब क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए।